प्यारे बच्चों, आज फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियो है। टॉपिक बहुत छोटा है। जो बच्चा पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, बेटे आपको इकाई एक से इकाई नौ तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम वीडियो के रूप में उपलब्ध है। इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग से उपलब्ध है, न्यूमेरिकल अलग से उपलब्ध है। तो हम अपने आज एक छोटे से टॉपिक पे आते हैं, वो आता है विशिष्ट चालकता। हमारा जो टॉपिक है वो मेन है धारा घनत्व, धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र की तीव्रता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध, विशिष्ट चालकता में संबंध। मतलब धारा घनत्व क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है, विशिष्ट चालकता आपको पता है, फिर भी मैं एक बार बताता हूं। सबसे पहले हम विशिष्ट चालकता पे आते हैं। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता सिग्मा कहते हैं। सिग्मा होता है 1/ρ। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या मोह पर मीटर। धारा घनत्व क्या होता है, यदि किसी चालक पे एक समान रूप से धारा वितरित हो तो चालक के किसी बिंदु पर बहने वाली धारा तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकांक आवेश पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हमने एक चालक तार लिया, ये हमारा एक चालक तार है। इस चालक तार की लंबाई कितनी है, L। इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, A है। अब इस पर हमने क्या लगाया, V विभवांतर लगा दिया। उंगली से जोड़ के हमने क्या लगा दिया, प्लस माइनस V विभवांतर लगा दिया। अब जब V विभवांतर लगाया तो इसमें क्या बहने लगी, धारा बहने लगी, आई धारा बहने लगे। अब जब इस विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन तो गति करेंगे, क्योंकि यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करने लगी, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। हम ये मान के चलने लग रहे हैं, हम इस चालक तार के लिए मान के चलने लग रहे हैं कि इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व नियत रहता। हम इस डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, हमने एक चीज असम्पशन मानी है कि इस चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व क्या है, नियत रहता है। अब क्या आएगा, तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र, तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र, तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वी अपॉन एल। अब धारा घनत्व कितना होगा, धारा घनत्व जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई अपॉन ए। दोनों को डिवाइड करते हैं, समीकरण एक है हमारे पास, समीकरण दो है। समीकरण दो को समीकरण एक से हमने क्या कर दिया बच्चों, भाग कर दिया, जे अपॉन ई, आई अपॉन ए, वी अपॉन। तो J अपॉन E इज इक्वल टू क्या हो गया, आई ए अपॉन आई एल, एल में जाओ, आई V इज इक्वल टू आई आर, इसे A अपॉन L, L को L लाइन दिया, A A नीचे ले आए, आई से आई कट गया। तो मैं आप क्या आ गया, J अपॉन E इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ए अपॉन एल। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो रो का मान क्या हो जाएगा,
आर ए अपॉन एल। तो जे अपॉन ई किसके बराबर हो जाएगा, जे अपॉन ई किसके बराबर हो जाएगा, वन अपॉन रो। हमने अभी बताया कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता सिग्मा होती है वन अपॉन रो के बराबर। तो ये एक तो ये रिलेशन आ गया प्रतिरोधकता के टर्म में, और ये आ जाएगा जे अपॉन ई इज इक्वल टू सिग्मा, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। इस सूत्र की क्या होगी आपकी व्युत्पत्ति होगी। बच्चों आपको मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो वीडियो में बना के दे रहा हूं, अगर उसमें पढ़ाना समझ में आ रहा है तो मैं वीडियो को लाइक जरूर बनता है, शेयर भी बनता है, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल जरूर दबा दीजिए जिससे जो भी नई वीडियो आपको मिले आए वो आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।